बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आप स्पीसीज जातियों की जैविक अवधारणा की बात करेंगे। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज मियर के द्वारा दी गई थी। ऐसे सभी सदस्य सजीव जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं तथा प्रजनन करके अपने जैसी जननशील संतान उत्पन्न करते हैं, एक ही जाति के सदस्य कहलाते हैं। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के अनुसार सजीवों का वह समूह जो आपस में प्रजनन कर सकता है और ऐसे संतान उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे संतति बना सकते हैं जो आगे चल के भी वंश को आगे बढ़ा सकती हैं, जिनमें जननशीलता होती है और वो आगे चल के भी संतानों को उत्पन्न कर सकती हैं, इनको हम बायोलॉजिकल स्पीसीज कहते हैं। ऐसी जातियों को जो आपस में प्रजनन कर सकती हैं, इनको हम बायोलॉजिकल स्पीसीज कहते हैं। यहाँ पर जाति का निर्धारण मियर के अनुसार यहाँ पर जाति का निर्धारण आपसी प्रजननशीलता जब जाति का निर्धारण प्रजननशीलता के आधार पर किया जाता है तो ऐसी जातियों को हम लोग जैविक जाति या बायोलॉजिकल स्पीसीज कहते हैं। यहाँ पर जो बेसिक आधार है वो है प्रजननशीलता, कि यदि दो तरीके के जीव आपस में प्रजनन कर सकते हैं तो एक ही जाति के हैं, और यदि उनमें ऐसा है कि वो आपस में प्रजनन नहीं कर सकते हैं या आपस में प्रजनन कर लिए उनके होने वाले संतान के पास प्रजनन करने की क्षमता नहीं है तो वो एक ही जाति के नहीं होंगे। मतलब उनमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए वो आपस में प्रजनन करके संतान उत्पन्न कर सके और संतान के पास भी ये क्षमता हो कि वो भी आगे चल के संतति को बना सके, तभी हम उन्हें बायोलॉजिकल स्पीसीज कहते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट यह सभी तरीके के जीवों पर लागू नहीं होती। सभी तरीके के जीवों से मेरा संबंध है कि ऐसे जीव जो लैंगिक प्रजनन नहीं करते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जो दिया गया है वो लैंगिक प्रजनन के आधार पर दिया गया है कि जीव आपस में लैंगिक प्रजनन करें और संतानें बनाएं। लेकिन ये सभी सजीवों के लिए सटीक नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों ही लैंगिक प्रजनन नहीं करते हैं बल्कि इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है और ये अपनी संतति को बढ़ाते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज सही तरीके से लागू नहीं होती है। ये समान लक्षण है, समान जेनेटिक पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर लैंगिक प्रजनन जैसी चीज नहीं होती है। तो केवल लैंगिक प्रजनन को ही आधार बना के बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये अप्लाई नहीं होता। लेकिन यह परिभाषा सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों पर लागू होता है। एक जैसे पेड़ पौधे जिनमें लैंगिक प्रजनन होता है उनको भी हम लोग बायोलॉजिकल स्पीसीज कहेंगे। एक तरीके के जीव जो लैंगिक प्रजनन करते हैं उनको भी हम लोग बायोलॉजिकल स्पीसीज कहते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दें। जहां पॉइंट समझ में ना आए हो उस चीज का भी आप कमेंट में जिक्र कर सकते हैं, और यदि आप किसी नए पॉइंट में चाहते हैं वीडियो तो वहाँ भी कमेंट दे सकते हैं। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।